पुलिस प्रशासन ने सर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया है, हमारे केस को कमजोर किया है सर। आपके बच्चे का हत्या कर दिया जी, और इसमें से दो आदमी का नाम हटा दिया है जो अभी 15 महीने से फरार चल रहे थे, लेकिन फिर भी अरेस्ट नहीं किए, क्योंकि इसमें मनोज सिंह जो एक हमारे यहाँ के पूर्व MLC रह चुके हैं, वो जो NDA की तैयारी कर रहा था, वो जो नहीं नहीं तो केस दर्ज हुआ तो उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं हुई सर, इसमें हमने जो है कोर्ट से बहुत ज्यादा वो करने पे, मेरा बेटा कुशांगु कुमार सिंह को 30/8/2021 को हमारे गांव के कुछ दुरंग लोग जो है आला समाज के मर्डर कर दिए, इनको दो। इसमें जो है सर उनके एक रिश्तेदार है मनोज सिंह, आना हुसैन सीमान का रहने वाला हूँ सर। बैठिए मल्दी को तो बोलियो सर, मैं मनोज कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट नगर, आना हुसैन सीमान का रहने वाला हूँ सर। मेरा बेटा कुशांगु कुमार सिंह को 30/8/2021 को हमारे गांव के कुछ दुरंग लोग जो है आला समाज के मर्डर कर दिए, बच्चे को जी हत्या कर दिया भी है सर इसमें। अब बताइए ना, बच्चे को हत्या कर दिया जी, आपके बच्चे का हत्या कर दिया जी। वो जो NDA की तैयारी कर रहा था, वो इसमें जो है सर उनके एक रिश्तेदार है मनोज सिंह जो नहीं नहीं तो केस दर्ज हुआ तो उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही है किसी? गिरफ्तारी नहीं हुई सर, इसमें हमने जो है कोर्ट से बहुत ज्यादा वो करने पे ये लोग जो है वो सरेंडर किया है, ये प्रभारी को सब पता था सर, हमने उनको लोकेशन भी बताया, लेकिन फिर भी अरेस्ट नहीं किए, क्योंकि इसमें मनोज सिंह जो एक हमारे यहाँ के पूर्व MLC रह चुके हैं, वो इस समय भाजपा में है, ये उनके रिश्तेदार हैं, ये इनके जो है दबाव में पुलिस प्रशासन ने सर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया है, हमारे केस को कमजोर किया है सर, और इसमें से दो आदमी का नाम हटा दिया है जो अभी 15 महीने से फरार चल रहे थे, अभी 3 महीने से घर पे रह करके ये और लोगों को धमकी दे रहे हैं। लगा दो डीजी इनको दो हेडक्वार्टर मारने का धमकी दे रहा था तुरंत। बैठिए